ये है याक्षी स्टैचू बाई कनै, काफ़ी पुराना है ये, आप देखो ये, मैं इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये मालापुजा डैम में ही है। हेलो एवरीवन, तो हम लोग निकल चुके हैं मालापुजा डैम के लिए जो कि केरला में है, और ये कोयम्बटूर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर अराउंड है, बट हम कोयम्बटूर से थोड़ा पीछे रहते हैं, सो मे भी थोड़ा सा और ज़्यादा हो, मतलब 75 to 80 अप्रॉक्स है। सो ये है त्रिची हाईवे, जो कि इधर साउथ इंडिया का इसे सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे बोलते हैं। केरला को गॉड ओन कंट्री बोलते हैं, जैसे भगवान ने इसे गोद ले रखा, रियली है ऐसा भी। सड़कें वगैरह तो सही है, क्योंकि इधर साउथ में आप जहाँ भी जाओगे सड़कें बहुत अच्छी मिलेंगी आपको ऑलमोस्ट जगह पे, कहीं कहीं एग्जांपल तो हर जगह होता है ना। और हाँ, इधर एक चीज़ मैंने देखा है कि ये जितनी अच्छी सड़कें बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा इनके वो रहते हैं क्या कहते, टोल टैक्सेस। मतलब अभी तक हम लगभग 20 to 25 किलोमीटर आए होंगे, हमें ये चौथा टोल टैक्स मिला था। हाँ ये देख लो, खतरनाक सा, मज़ा आ जाता है गजब से। और अभी तमिलनाडु ख़त्म हो चुका है, हम केरला में एंटर हो चुके हैं, 30 किलोमीटर मुश्किल से हुए होंगे, फिर एक टोल प्लाजा। ये मुझे लगता है ना 35 किलोमीटर में पांचवा टोल प्लाजा है भाई। कोझिकोड वेस्ट की तरफ हमने ले लिया है टर्न, और यहाँ से ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर है, और रोड से भी ऐसा लग रहा है जैसे मॉल बन चुका है, अब हम ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचने वाले ही हैं। ये हम इन कर चुके हैं मालापुजा एरिया में, जहाँ पे ये डैम है। ये कर्व, इनके अलग ही मजे हैं। ये क्या है, ओके, बियर पार्लर था ये, और सड़कों पर सबसे ज़्यादा इनका ध्यान रखना चाहिए मवेशियों का, ये ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा रास्ता खराब है, थोड़ा सा बस, आ ही गए हम, पता ही नहीं चला ना कहीं ट्रैफिक ना ही कुछ। हाँ हमें तो ट्रैफिक्स की आदत है भाई, जब तक ट्रैफिक ना मिले तब तक फील ही नहीं होता। ये भाई हमने कितना है इसका, 10 रुपये, ओके। ये है पार्किंग, पार्किंग यार सेफ जगह में किया करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आ चुके हैं हम मालापुजा डैम में, और भैया मास्क यहाँ पे मैंडेटरी है, सो लगाना तो पड़ेगा, और 100 रुपीज़ सिर्फ कैमरा के चार्ज है, वीडियो कैमरा के 1000 हैं, और इंट्रेंस 30 रुपीज़ है, वाटर फाउंटेन है ये, और चीज़ें दिखाता हूँ मैं।
ये है याक्षी स्टैचू बाई कनय, काफ़ी पुराना है ये, आप देखो ये, मैं इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये मालापुजा डैम में ही है, सो यू कैन वॉच इट, बहुत लोग आते हैं। एंड दिस इज आर्ट नथिंग एल्स मेड बाई कनय। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अपना बोटिंग, सो करते हैं बोटिंग। हाँ, हम आ गए हैं स्पीड बोट के लिए, 450 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं, और ये है स्पीड बोट, सो अभी हम चलेंगे। क्या चाहिए? मास्क। ओके, ये है लाइफ जैकेट, ये पहनना मैंडेटरी है, और अभी मजा। चलो, हाँ पकड़ो जरा। ये तो अब हमारा सफर शुरू होने वाला है, और रियली बहुत मजा आएगा, घूम सकते हैं। ओके, देख सकते हैं। ओके, बहुत सारा कंफ्यूजन है, हाँ स्पीड बोट ख़त्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर। ये बहुत ऊंचा है बट इसके ऊपर जा सकते हैं, सामने से रास्ते बने हुए हैं इसके, सो चलते हैं। फिर पहुंचने ही वाले हैं हम इधर से। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि कार्ड क्यूआर कोड कहीं भी नहीं लेते, हर जगह इनको बस कैश चाहिए। पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता, बट इनको हर जगह कैश चाहिए, कुछ तो मतलब चल रहा है, बाकी समझ जाओ, है ना। और यही है मालापुजा डैम।
चलो लगभग 3 घंटे का सफ़र रहा, अच्छा रहा। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि आपको जितने भी यहाँ अंदर शॉप हैं सब में कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी और जितने भी बाकी बेवरेज हैं वो मिल जाएंगे, बट पानी का बोतल नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों, बट यही है, देख लेना। और कैश पक्का लेके आना, हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। खाना हो गया भाई, और ये था सर्वना होटल, और अब चलते हैं घर को वापस।